बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक नए नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कम्प्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर में जो हम SLO नंबर पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास 7.1.1, 7.2.1, ठीक है। आज हम इन्हीं दो SLOs को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7.1.1 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन के हिसाब से इनको कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना किसी भी एलिमेंट से या गेन होना, ठीक है, मीन्स के ऑक्सीजन का गेन होना या लॉस होना या हाइड्रोजन का गेन होना या लॉस होना, ठीक है। लॉस दूसरे टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि या गेन होना ऑक्सीजन का, ठीक है, या हाइड्रोजन का गेन होना या ऑक्सीजन का लॉस होना या हाइड्रोजन का लॉस होना। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में, कि जब हाइड्रोजन गेन होगा या लॉस होगा या ऑक्सीजन गेन होगा या लॉस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का गेन होना, ठीक है, ऑक्सीजन का एड होना और हाइड्रोजन का लॉस होना उस एलिमेंट से, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम कि ऑक्सीजन का गेन होना, ठीक है, ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना किसी भी एलिमेंट से, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेम इसी तरह अगर हम रिडक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह होगा। हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा हम आयरन, ठीक है, आयरन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं स्टील मिल्स के अंदर। उसकी प्रिपरेशन में जब क्या होता है हमारे पास, हम रिएक्शन करवाते हैं किस चीज़ का, आयरन ट्राईऑक्साइड का, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन के साथ, ठीक है, जिसको हम कोक कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको जब हमने हीट किया तो हमें रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास वो आयरन मेटल हमें देता है और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के हम अंदर हमने देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है और कौन सा वो एलिमेंट है जो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस होके हमें क्या दे रहा है, ट्राईऑक्साइड, आयरन ट्राईऑक्साइड से हमें आयरन दे रहा है। और देन हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडाइज, मीन्स की ये कार्बन जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो आयरन ट्राईऑक्साइड था उसमें से आयरन क्या हो रहा है हमारे पास, रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एसिटाइलिन की एग्जांपल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एसिटाइलिन जब हमारे पास 2 moles ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट कर रहे हैं 10 moles ऑफ ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन। तो विच सब्सटेंस लॉस हाइड्रोजन और विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, अब आप लोग देख के बता सकते हैं
कि जो कार्बन है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और दूसरा कम क्या कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो उस हिसाब से गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स का गेन होना जो कि कार्बन में हमारे पास गेन हो रहा है, और हाइड्रोजन का इस कार्बन से क्या होना, लॉस होना, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में देखें कि कार्बन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन हो रहा है, गेन कर रहे हैं किस चीज को, ऑक्सीजन एटम को, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े ऑक्सीडेशन के। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आप लोगों को दिया जाए कि आइडेंटिफाई करना है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडर गो ऑक्सीडेशन, तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है हमारे पास जिसमें मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, साथ में ही हमारे पास हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमारे पास पहला जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ है कि कार्बन क्या है हमारे पास, ये कार्बन क्या हो रहा है, मीथेन है, ठीक है। मीथेन क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एड हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम इसी तरह जो, ठीक है, सेम इसी तरह ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं किस चीज के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे जो क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, रिडक्शन हुआ है। इसी तरह कुछ यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट से 7.1 जो बुक में दिया गया है आप वहां से देख लीजिएगा, इनको सॉल्व करके मुझे एज अ होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमने शुरू में पढ़ा वो किस किस फॉर्म में पढ़ा कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, उस वे में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज कब होगा और कोई भी एलिमेंट रिड्यूस कब होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीडाइज कब होता है एलिमेंट, जब भी कोई एलिमेंट क्या करे, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास या एक किसी भी सब्सटेंस के अंदर से क्या हो हमारे पास, या उस एलिमेंट के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो रिडक्शन कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी एलिमेंट से तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे, जिस भी एलिमेंट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जहां पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो हमें क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं उनको, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट एक ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड एक ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने वैलेंस शेल से क्या करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद ये क्या बनाते हैं हमारे पास, केटाइन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो क्या होगा हमारे पास, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, रिडक्शन की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में फर्स्ट ए एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ी। तो रिडक्शन क्या था हमारे पास,
गेन ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी एलिमेंट, ठीक है, मीन्स कि किसी भी एलिमेंट का एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, गेन करना, तो वो एलिमेंट क्या किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो रिडक्शन के थ्रू जाएगा। यहाँ पे भी ये एग्जांपल्स दी गई हैं, देखें सबसे पहले ऑक्सीडेशन में जो एग्जांपल्स दी थी उनको हम पढ़ते हैं कि सोडियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और केटायन बन जाता है। सेम इसी तरह कैल्शियम है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या है, सेकंड एक ग्रुप का एक एलिमेंट है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, ठीक है। इसी तरह आयरन है, ठीक है, आयरन है और हमारे पास कॉपर है, इनकी एग्जांपल्स दी हैं। सेम इसी तरह रिडक्शन में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनमें क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अंदर रिडक्शन जाते हैं। सेम इसी तरह जैसे ऑक्सीडेशन के लिए एग्जांपल पड़ी थी, ऑक्सीडेशन का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिडक्शन का भी एक प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इस केमिकल रिएक्शन को देख के हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा एलिमेंट है जहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। कैल्शियम क्या करता है, एक केटाइन होता है, इसका मतलब ये हुआ केटाइन क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन क्या कर रहा है हमारे पास, गेन करता है, गेन में हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद गेन करने के बाद वो एनायंस बनाता है, लॉस करने के बाद वो केटायंस बनाता है। इसी तरह आप लोगों को 7.2, ठीक है, 7.1 जो एक्सरसाइज है उसी तरह सेल्फ असेसमेंट 7.2 भी आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे क्या करना है, सेंड करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। 7.2.1 है हमारे पास, ऐसे लो ऑक्सीडेशन को स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, मींस के किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर क्या हो जाना, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ एन एटम विल हैव इन, मींस के किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर चार्जेस का क्या होना, चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मींस कि वो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर, उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मींस के ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कब होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब होती है, ठीक है, इंक्रीज हो तो क्या होगा और डिक्रीज हो तो क्या होगा हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन क्या कहा कि नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, मींस कि उसका चार्ज नंबर इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वो एलिमेंट्स किसी उसके अंदर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज नंबर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एलिमेंट्स जिनके अंदर चार्ज नंबर क्या हो हमारे पास, डिक्रीज हो जाए या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा हमारे पास, रिड्यूस होगा। तो इस टेबल में भी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल सी, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सिंपल सी समरी बताई है इन्होंने कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, जो कि हमने शुरू में पढ़ा, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जहां पे कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और जहां पे ऑक्सीजन को लॉस करेगा वहां पे रिडक्शन होगा। जिस भी एलिमेंट से हाइड्रोजन लॉस होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे रिडक्शन होगा, जो लॉस करेगा एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज हो जाए,
वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक का था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो होमवर्क दिया है वो आप लोग मुझे जल्दी करके सबमिट करवाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे, तो तब तक इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।